सुबह के 5 बज रहे हैं और इस ट्रेन से हम एक आदिवासी लड़की को दिल्ली से रेस्क्यू कर झारखंड ला रहे हैं। आदिवासी लड़की पश्चिम सिंहभूम जिले के काफी सुदूरवर्ती इलाके की रहने वाली है, जिसे संजय लुगुन नामक युवक ने बहला फुसला कर दिल्ली में ले जाकर काम पर लगवाया था। पिछले 1.5 साल से आदिवासी युवती का किसी भी प्रकार का संपर्क परिवार वालों से नहीं था। हमारे चैनल के माध्यम से हमें ये जानकारी दी गई कि आदिवासी लड़की घर वापस आना चाहती है और उसे हमारे मदद की ज़रूरत है, जिसके बाद हमने बानो जिला परिषद सदस्य बिरजो कंडोलना साथ में जेएमएम के संयोजक मंडली सदस्य तनवीर हुसैन के नेतृत्व में एक टीम बनाकर हम दिल्ली गए और उसका सकुशल रेस्क्यू कर 1.5 साल बाद उसे हम गांव पहुंचाने आए हैं। काफ़ी सालों बाद अपने गांव आने से काफ़ी ज़्यादा ये खुश नज़र आ रही थी, मगर आंखों में उसके खुशी के साथ साथ दुख के भी आंसू थे, क्योंकि इसके पिता की मौत कुछ महीने पहले ही हो चुकी थी और इसको इसकी जानकारी तक नहीं थी, जिसके बाद ये अपने पिता को याद करके अपने परिजनों से मिलकर फूट फूट कर रोने लगी, साथ ही उनके परिवार के सदस्य भी रोने लगे। चुप करने वाली है, चुप करने वाली अपन। मैं बिरजू कंडोलना जिला परिषद बानो प्रखंड और सेंट्रल कमेटी मेंबर सिमडेगा जिला। एक लड़की लगभग 1.5 साल से दिल्ली कमाने के लिए गई थी और आना भी चाह रही थी, लेकिन जिसे हम लोग को पता चला और आज उसका घर तक हम लोग पहुंचाने में सफल हुए हैं। दुख भरी दास्तान है, उसमें जो लड़की काम कर रही थी वहाँ उसको उसका हाथ में एक भी पैसा नहीं मिला और ना ही इसका परिवार वालों को मिला है पैसा। इस तरह से बाहर जाने के बाद में ये एक करप्शन है, समाज के लिए करप्शन है, हमारे समाज के लिए दाग है। और जिस स्थिति यहाँ आप घर भी देख रहे हैं, उनका गरीबी के चलते ही बाहर कमाने गई और इसी बीच में अपना पिताजी को भी गंवा चुकी है, जिसे गाँव वालों का कहना है। तो मैं एक झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता लीडर होने के नाते मैं कोशिश करूंगा कि जो भी पैसा नहीं मिला है, जहां भी काम कर रही थी, दिल्ली में काम कर रही थी दिलाने का, उसका जो काम किए, उसका मेहनत, जो वेतन कहेंगे चाहे मजदूरी, उसको दिलाने का काम करूंगा। मेरा नाम तनवीर हुसैन है और मैं फ़िलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक सदस्य हूँ बानो प्रखंड से। और न्यूज़ आपके माध्यम से ये भी बच्ची का रिपोर्टिंग आया था, दिल्ली में कहीं काम कर रही थी और जहाँ काम कर रही थी उस महिला ने बहुत सहयोग किया। इसका अत्याचार को देख के उन्होंने न्यूज़ आपके माध्यम को उन्होंने कॉल किया और इस लड़की का दुख भरी कहानी को सुनाया गया और न्यूज़ आपके माध्यम के जो संपादक हैं गौरव जी, वो उनका प्रयास गांव उन्होंने आया एक सुदूर गांव जंगल क्षेत्र, जो कि यहां पर आने के लिए बहुत लोग को सोचना पड़ेगा, वहां पर जाके उनकी माता से बात करा दिए, मतलब लड़की का कंफर्म किया गया कि वो लड़की उस गांव में रहती है कि नहीं। तो इन्होंने बहुत प्रयास किया, इनकी चैनल के माध्यम से लड़की आज सकुशल घर वापस आ गई। तो मैं
इस चैनल को भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा कि इनके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे सुदूर गांव के लड़की चाहे लड़का चाहे और जो भी कोई लोग फंसे हुए हैं वो साकुशल वापस आ रहे हैं। और इस बच्ची का दुख कहानी यही है कि इसकी ये जब दिल्ली गई थी उस समय इसका पिताजी थे और अभी इनका पिताजी नहीं है। गांव आके इन्होंने अपने पिता का देहांत को सुना और बहुत दुख भरी इन्होंने इनका पीड़ा को हमने देखा और बहुत गरीब बच्ची है और इनका जो पैसा काम की थी वो पैसा को कोई संजय नाम का आदमी जो ले गया था गांव से वो सब पैसा को इनका ले लिया है। तो मैं न्यूज चैनल के माध्यम से यही बोलना चाहता हूँ, यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी जनप्रतिनिधि हैं गांव में वार्ड से लेके मुखिया से लेके और भी जो भी बड़े इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए ताकि यह घटना कल ना घटे। धन्यवाद।